क्या आपने कभी सोचा है हमारे इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर या हमारी गैलेक्सी जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं उसके बाहर किसी और गैलेक्सी में भी जीवन या फिर एलियन सच में होते हैं या नहीं। चलिए आज हम इस बात का पता करते हैं। एलियंस, यह एक ऐसा शब्द है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या यह सच में है। एलियंस या परग्रही संभावित जीव जो पृथ्वी से अलग किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद हो या जो पृथ्वी पर पैदा ना हुए हो, यह जीव इंसानों से विकसित या कम विकसित हो सकते हैं। एलियंस का होना या ना होना, ये कहना ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि पृथ्वी के बाहर गैलेक्सी या सौर मंडल है या नहीं, और यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसको समझना मुश्किल है। हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं या कहें तो आकाश गंगाएं हैं, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, सौरमंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह होंगे और निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। साल 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने हमारी आकाशगंगा की जांच के लिए केपलर मशीन 10 को भेजा था, जिसका काम था जीवन योग्य ग्रह को खोजना और यह पता करना कि 400 अरब तारों और लगभग इतने ही ग्रहों वाली आकाशगंगा के कितने ही ग्रहों में जीवन होना संभव है। और कई वैज्ञानिकों का मानना है 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे थे और उन एलियंस ने इंसानों को ज्ञान दिया था। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, मोहनजोदारो, इन सभी के विकास में उन्हीं एलियंस का योगदान रहा। शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले लेखक एरिक बॉन डेनिकेन की किताब चैरियोट्स ऑफ गॉड में लिखा है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिड्स बनाने की कोई तकनीक नहीं थी और ना ही कोई औजार थे, इसलिए उन्हें जरूर एलियंस ने ही बनाया होगा। कई वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ओरायन नक्षत्र से हमारी धरती का गहरा नाता है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, ग्रीक और इनका सभ्यताओं की पौराणिक कथा और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधित जो जानकारियां हैं वह एक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पूर्वज ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी से 15,000 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में दर्जनों तारे हैं, पर मुख्य 7 ही तारे हैं और इन 7 तारों में से 3 ही तारे ऐसे हैं जो कि तेजी से चमकते हैं और जो सीधी लकीर में दिखाई देते हैं, जिसे शिकारी का कमरबंद यानी कि ओरायन की बेल्ट कहते हैं। सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद जिन स्थानों पर अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हमले किए गए थे, उन स्थानों पर कई बार एलियंस के देखे जाने की खबरें भी आने लगी थी। भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं, जिसने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले चित्रों में एक उड़नतश्तरी बनी हुई है। इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी साफ देखा जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह 10,000 साल पहले बनाए गए चित्र स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी पर एलियंस आए थे, और दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में भी ऐसे चित्र देखे गए हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आते जाते रहे हैं, और कई सभ्यताओं में मान्यता है कि एलियंस जल्द ही पृथ्वी पर लौट आई। और आज के वैज्ञानिकों का भी मानना है कि आज भी एलियंस पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर छुपकर रहते हैं, जिसके प्रमाण भी समय समय पर सामने आते रहते हैं। 15 फरवरी को हिमालय में एक घटना घटी थी। तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे गांव के मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, 1 कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियां और 1 बर्फीले तेंदुए को ले गायब हो गई। और ऐसी ही एक घटना 13 अगस्त 2002 में लखनऊ में घटी थी। लखनऊ के करीब एक गाँव में एलियंस ने हमला कर दिया था। वहाँ एलियंस की 2 स्पेसशिप दिखाई दी गई थी। एक तो छोटी थी और दूसरी इतनी बड़ी थी कि लखनऊ के आसपास 50 मील से भी देखी जा सकती थी। और इस हमले में 7 लोग मारे गए थे और कई लोगों के हाथ मुंह जल गए थे, और कुछ दिनों में ही 10 किलोमीटर के आसपास से 20 लोग गायब हो गए थे जो आज तक नहीं मिले। इस घटना से स्थानीय लोग इतने डर गए थे कि 10,000 लोग एक साथ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने भी गए थे। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में 20% लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच हैं। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।